झारखंड की रघुवर सरकार रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश में जुटी है, जिसके बड़े और छोटे उद्योगों के अलावा कुटीर उद्योग पर भी सरकार फोकस कर रही है। और इसके तहत खूंटी में महिलाओं को पेपर मेसी के जरिए कलाकृति बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है बकायदा। खूंटी में जिला उद्योग केंद्र की तरफ से महिलाओं को पेपर मेसी के जरिए कलाकृति बनाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। इन कलाकृतियों में भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बुद्ध, ईसा मसीह, श्री गणेश सहित कई देवी देवताओं के साथ साथ पशु पक्षियों की मूर्तियां भी शामिल हैं। सरकार का मकसद है कि इस ट्रेनिंग के जरिए गरीब और आदिवासी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। प्रशिक्षण ले रही महिलाओं का कहना है कि सरकार की इस योजना से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। ये एक पेपर मेसी है, मतलब कि जो रद्दी पेपर है उससे ये चीज बनाई जाती है, तो ये नया है, इसलिए हम लोग को इसमें बहुत इंटरेस्ट आया कि हम लोग को लगा कि ये नया है, हम लोग इसको सीख के भविष्य में आगे कुछ कर सकते हैं। इससे रोजगार कमाएंगे, रोजगार मिलेगा हम लोग को तो मिलेगा ही, साथ में गांव की महिलाओं को भी मिलेगा और हम लोग इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा चीज है, इससे हम लोग बहुत आगे कुछ भी सीख सकते हैं, इससे आगे हम लोग कुछ काम भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। और ये सर भी हम लोग कोशिश करें कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छा है। रद्दी कागज के टुकड़ों को गला कर मूर्तियों के ढांचों में सजाना और उसे अपने रंगों से आकार देने की ट्रेनिंग महिलाएं ले रही हैं। दरअसल जिले में पेपर मेसी से बने कलाकृतियों की मांग बढ़ गई। सरकारी कार्यक्रम में महिलाओं के हाथों बनी कलाकृतियों को ही मोमेंटो के रूप में अतिथियों को दिया जाता है। ये पेपर मेसी पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल बनेगा, लोग यहाँ खूंटी इसी क्राफ्ट के नाम से जाना जाएगा। और आए दिन अभी तक का जितने भी हमारे खूंटी में विजिटर लोग और मंत्री अमित शाह से लेके मुख्यमंत्री तक जितने भी विजिटर यहाँ आए हैं, जिनके गिफ्ट के रूप में यहाँ से खूंटी से पेपर मेसी का ही सामान अभी तक दिया गया है। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि कभी नक्सलवाद का गढ़ माने जाने वाले खूंटी में आज बदलाव की बयार बह रही है। पिछले 4 साल में यहाँ की महिलाएं आर्थिक तौर पर खुद को मजबूत कर चुकी हैं और ये सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।